नमस्कार, मिठिया मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार आज थोड़ा सा ब्रीदर लेते हुए, थोड़ी सी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए 1% का ड्रॉप निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीब 1% के आसपास के फॉल में है। ज्यादा बिकवाली आज निफ्टी बैंक में अब हो चुकी है। 0.25% नीचे निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए, ऑलमोस्ट 650 अंकों की गिरावट वहां पर है। मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब 1% नीचे एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि करीब 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है। तो पहले कंपैरिजन में थोड़ा सा सुधार मिड कैप स्मॉल कैप में ज़रूर आया है, जो करीब 11 बजे के आसपास था वहां से, लेकिन फिर भी इंडेक्स फ्रंट पर आज अच्छी खासी बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन जो एक समय पर 600 एडवांसेस थे और करीब करीब 1700 इनफैक्ट डिक्लाइंस की तरफ था, अभी भी 1700 के आसपास डिक्लाइंस हैं और 700-750 के आसपास एडवांस है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ आया नहीं है, लेकिन हाँ बिकवाली आज चौतरफा बाजार में देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक है, ब्रोकर हाउसेस के नोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सब पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। बाजार में आज बिकवाली का दबाव, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला, बैंक निफ्टी में 1% की गिरावट, मिड कैप स्मॉल कैप का भी हाल बेहाल। एफपीआई डिस्क्लोजर नियमों के पालन की आज डेडलाइन, सेबी नियमों के मुताबिक किसी भी शेयर ग्रुप में 50% से ज्यादा हिस्सा होने पर एफपीआई को हर निवेशक की जानकारी देनी होगी जरूरी। बिना डिस्क्लोजर वाले निवेशकों की आज पोजीशन नहीं काटने पर सोमवार से लगेगा 5% जुर्माना। सेबी के कामकाज की समीक्षा कर सकती है संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस महीने सेबी चेयरपर्सन को किया जा सकता है समन। गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई को किया डाउनग्रेड, वैल्यूएशन डी रेटिंग की जताई आशंका, शेयर 4% टूटा, दूसरे सरकारी बैंकों में भी बिकवाली। गोल्डमैन सैक्स की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 11% लुढ़का, ₹2.5 के दिए लक्ष्य, गोल्डमैन सैक्स बोला अगले 3 से 4 साल में 3% तक गिर सकता है मार्केट शेयर। इंडस टावर में भी बिकवाली की सलाह, शेयर 5% नीचे। और सऊदी वाटर अथॉरिटी से 2700 करोड़ का ऑर्डर मिलने से वाटिक वबाग, 4% ऊपर। इधर हाईवे डाइनिंग वेंचर के ऐलान से ड्रीम फोक 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, शेयर 10% ऊपर। तो भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा रिलीफ, रादर कह सकते हैं जो लगातार तेजी थी उसमें थोड़ा सा रिलीफ, और बाजार में बिकवाली सो फार देखने को मिल रही है। 660-670 अंकों के आसपास गिरावट निफ्टी बैंक में है, निफ्टी जो है करीब करीब 290 अंक नीचे है और सेंसेक्स भी रफली 800-850 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जरा निफ्टी का एक डेली चार्ट लेकर आइए करीब 15 दिन का, और खासतौर से बार ग्राफ में उसे लेकर आइएगा, तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आपको समझ में आएगी कि लगातार इंडेक्स में या तो रेंज बाउंड ट्रेड था या तेजी के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कंसेक्यूटिवली मार्केट अपने नए हाई पे हाई बना रहा था, तो थोड़ा सा ब्रीदर मार्केट ने साइमल्टेनियसली लिया। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देख ही रहे हैं कि पिछले करीब करीब 10 से 15 सेशन में लगातार इंडेक्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी, तो थोड़ा सा इंडेक्स आज ब्रीदर होता लेता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा कोई खराब सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आज इंडेक्स ने हल्का हुआ है। बाकी नीरव सर हमारे साथ मौजूद है निर्मल बैंक सिक्योरिटी से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नीरव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेके आपका व्यू क्या है, क्योंकि आज बाजार ने हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग दिखाया है हायर लेवल से, वो बात अलग है कि क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है मार्केट्स का, तो बिकवाली का आंकड़ा ही बड़ा ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपकी राय अदरवाइज क्या कहती है? राय सुमित जी, देखिए निफ्टी में वेरी इंपॉर्टेंटली 25,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हुआ है, और यहाँ से जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो अराउंड 24,600-24,500 के पास में है। नियर टर्म में मुझे लगता है 50-डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट करेगा, ये पूरी रैली में ये हमेशा सपोर्ट रहा है 50-डे मूविंग एवरेज, तो एक बार निफ्टी वापस 50-डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है। तो आई वुड से कि किसी को बाय करना है तो प्रॉबेबली 24,600 के पास में जब निफ्टी आता है वहां पे ही बाय करना है। अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, दिस इज जस्ट अ नियर टर्म ब्लिप, और वैसे भी 10-15 दिनों से कंटिन्यूस रैली देखी थी, जैसे कि आपने भी कहा एक ब्रीदर लिया है।
वो रैली में, और तो डेफिनेटली नीचे में बाइंग करनी चाहिए 24,600 के पास में। 24,400 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, ऊपर में आई बिलीव वापस 25,300 तक निफ्टी आ जाएगी, बट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज थोड़ा सा खराब लग रहा है बाजार। तो थोड़ा बहुत खराब दिख रहा है मार्केट नीरव सर को, लेकिन चलिए गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है। नीरव सर, निफ्टी बैंक यहाँ क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आज ज़्यादा सीवियर डैमेज है, 1.25% के आसपास का फॉल वहीं से आ रहा है और वही मेजरली प्रेशर एक्सटेंड कर रहा है मार्केट्स में। क्या करना चाहिए यहाँ पर स्पेशली SBI? देखिए, ये एक अनएक्सपेक्टेड फॉल था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ काइंड ऑफ फॉल इन बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है विज़ द निफ्टी लगाड़ था और शॉर्ट पोजीशन थी जो कवर होते हुए दिख रही थी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी 51,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द फ्यूचर्स। तो 51,000 अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ी बहुत और खराब हो सकती है, पर अभी भी जो ओवरऑल डेटा है मुझे यही लगता है कि प्रॉबेबली एक दो दिन में ये इंडेक्स भी वापस ऊपर आ जाएगा एंड प्रॉबेबली 52,000 के पार चले जाएगा। आई सी अ वेरी गुड सपोर्ट अराउंड द 50,650, 50,500 ऑड लेवल्स, तो वहां से घूमना चाहिए। आई बिलीव अगर आपको बाइंग करना है तो विज़ द निफ्टी, बैंक निफ्टी में बाइंग बनानी चाहिए इवन एट करंट लेवल्स एंड थोड़ा ऑन डिप्स एज वेल, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। प्रॉबेबली आज का जो डेटा है वो आना आना बाकी है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी आने वाले सत्रों में। तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, 50,500 का आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, 52,000 के जो लेवल्स हैं वो आपके टारगेट रहेंगे। तो निफ्टी बैंक विजावी ज़्यादा बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं हम। तो नीरव सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप लॉन्ग साइड पर आओ अभी भी, या आप भी शॉर्ट्स लग रहे हैं आपको खोलने चाहिए अब यहाँ से? नहीं यार, स्टिल लॉन्ग्स। देखिए, बाइंग जो है शिफ्ट हो गई है डिफेंसिव काउंटर्स में एंड दैट इज व्हाई मेरे हिसाब से आप डिफेंसिव काउंटर्स में बाइंग बनाएंगे तो उसमें अच्छा फायदा हो सकता है। तो पहला जो मेरा बाय कॉल है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज पे। ये स्टॉक में काफी समय के बाद में एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और आई बिलीव करंट लेवल से आप बाइंग बना सकते हैं। यहाँ से स्टॉक 1170, 1200 ये लेवल्स तक जा सकता है, तो आपके दो टारगेट रहेंगे। यहाँ से स्टॉप लॉस 1090 का रखिएगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। दूसरा जो मेरा कॉल है वो है थिरुमलाई केमिकल्स पे। केमिकल स्पेस में बहुत बढ़िया बाइंग है और ओवरऑल ये जो चार्ट है स्टॉक का बहुत ही बढ़िया है। राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है एंड स्लोली एंड स्टेडिली स्टॉक ऊपर जा रहा है, अच्छी बाइंग भी दिख रही है। सो आई बिलीव करंट लेवल से इसमें भी बाइंग बना सकते हैं। 325 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 365 का इसमें टारगेट नजर आ सकता है। दूसरा शेयर कौन सा बोला आपने नीरव सर? तिरुमलाई केमिकल्स। थिरुमलाई केमिकल, ओके। तो पहला नाम था टाटा टेक, 1040 के आसपास वहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक हुई थी और उस ब्लॉक के बाद से लगातार वो शेयर चलना शुरू हुआ, 1110, 1120 तक आज इसमें इंट्राडे में पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा और डे हाई के आसपास ही इनफैक्ट ये शेयर। और यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा तिरुमलाई केमिकल, जहाँ पर भी नीरव सर की तरफ से खरीदारी किराया 338-339 के जोन में ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है। आगे बातचीत करूंगा नीरव सर से, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहां पर आरोपों से घिरी सेबी चेयरपर्सन को अब संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC के सामने पेश होना पड़ सकता है। कमेटी ने अपने एजेंडा में सेबी के कामकाज की समीक्षा को शामिल करने का फैसला लिया है। पूरी खबर बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण सर, ये न्यूज़ फ्लोज लगातार बने हुए हैं, कल इसी शो में हम बातचीत कर रहे थे, जो सेबी के कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल की है, उसके विजुअल्स आ रहे थे, और आज अब ये मामला आते हुए तो बैक टू बैक हर रोज़ कोई ना कोई खबर आ रही है इस पूरे इश्यूज़ में। क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, अब जो नई खबर आई है वो ये है कि संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC जल्द ही सेबी चेयरपर्सन को अपनी बैठक में समन कर सकती है और उसमें सेबी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। सेबी के कामकाज से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मामला आजकल सेबी चेयरपर्सन पे जो आरोप लग रहे हैं वो मामला काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है। तो बहुत हद तक संभावना है कि इससे जुड़े हुए सवाल भी सेबी चेयरपर्सन से पूछे जाए। हालांकि कब समन किया जाए, किस बैठक में किया जाएगा, इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। अगली बैठक
10 सितंबर को जरूर है पब्लिक अकाउंट कमेटी की, लेकिन इस 10 सितंबर की बैठक का जो एजेंडा जारी किया गया उसमें सेबी के नाम को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस महीने 2 से 3 बैठकें होनी हैं, उनमें से किसी एक बैठक में हो सकता है कि सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जाए। दरअसल पब्लिक अकाउंट कमेटी की अध्यक्षता जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल करते हैं और इसमें विपक्ष और पक्ष के दोनों तरह के सांसद होते हैं। चूंकि अध्यक्ष कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सेबी चेयरपर्सन पर, तो संभावना है कि उन आरोपों से जुड़े सवाल जवाब यहां पे किए जाएं। बता दूं कि पीएसी में कोई ऐसा नहीं होता, कोई फैसला हो जाता है, कोई एक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं कुछ होता है। बैठक में बुलाया जाता है वही एक बड़ी बात होती है और वहां पर जो सवाल जवाब होते हैं वही काफी संवेदनशील होते हैं। उसके बाद पीएससी अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट पर सरकार को अपना एक्शन लेना होता है नहीं होता वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन यह बैठक में बुलाया जाना है बड़ी खबर है। पीएससी का जो एजेंडा है उसमें इस पूरे साल का एजेंडा जारी किया गया, उस साल के एजेंडे में खास बात यह है कि सुओ मोटो 6-7 एजेंडा को शामिल किया गया है। एक एजेंडा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कि सेकंड लास्ट एजेंडा है सेल के हिसाब से, वो यह है कि संसद के एक्ट के द्वारा स्थापित जो रेगुलेटर हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। उस एजेंडा में सेबी का नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब यह लिखा गया संसद द्वारा स्थापित एक्ट के तहत जो रेगुलेटर हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सेबी को बुलाया जाएगा और सूत्र भी यही बता रहे हैं कि एजेंडा इसलिए शामिल किया गया है ताकि सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जा सके। ओके, तो इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं और आगे भी हम लक्ष्मण जी से इसके ऊपर और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट में, जहां पर इमर्जिंग देशों में भारत का जलवा और बढ़ गया है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया है। क्या है इसका मतलब और क्या इम्प्लीकेशन है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो यतिन पूरी डिटेल समझाइए किस तरह से इसको समझा जाए और क्या इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर होता हो दिखाई पड़ेगा। एक बड़ी खबर भारत के लिए, मॉर्गन स्टैनली के MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेट सबसे ज्यादा हो गया है। नंबर वन पोजीशन पे अब भारत की वेटेज आती हुई नजर पड़ी है और मजे की बात यह है कि चाइना के वेटेज से ज्यादा अब भारत का वेटेज हो गया है, 22% से ज्यादा। अगर हम मॉर्गन स्टैनली के EM इंडेक्स की बात करें, जो MSCI का EM इंडेक्स है, यहां जो बेंचमार्क फंड्स हैं उनकी कुल AUM है लगभग $500 बिलियन। सो जितना भारत का वेटेज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको FII इनफ्लो भारत में आता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम वेटेज की बात करें तो चाइना को तो पछाड़ा ही है, और अगर हम ताइवान, ब्राजील जैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत का वेटेज उनके मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है। अगर आप ग्राफिक्स पर नज़र करें तो 22.27% से भारत का वेटेज अब दिखाई पड़ रहा है आपको, जो सबसे ज़्यादा है। चीन की बात करें तो इनका 22% से कम हो गया है वेटेज, और अगर हम ब्राज़ील और दक्षिण कोरिया की बात करें तो सिंगल डिजिट में इनका वेटेज है। तो कहीं ना कहीं FIIs की बात करें तो इंडिया सबसे टॉप डेस्टिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा है MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। तो MSCI की किस तरह की डिटेल है, किस तरह का इम्पैक्ट है और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बदल रही हैं, इस पर आपने यतिन को सुना भी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, नीरज सर बने रहेंगे, कुछ और स्टॉक्स भी हैं उनसे चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रालय, करीब करीब 285 अंक नीचे निफ्टी है, सेंसेक्स 945 अंक, निफ्टी बैंक 650 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। जरा एक बार निफ्टी बैंक के कंपोजिशन लेकर आइए, कहां कहां पर से प्रेशर आज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी बैंक में आज मेजरली जो प्रेशर आ रहा है वो या तो प्राइवेट बैंक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन PSU बैंक्स भी आज अच्छी खासी बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो PSU बैंक की बिकवाली में आया है उसमें SBI है और SBI के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है तमाम PSU बैंक्स के अंदर। तो हमारे साथ कंचन मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। कंचन, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्या ऐसा बोल दिया, क्या जोरदार बिकवाली PSU बैंक्स में, डाउनग्रेड करके बिकवाली की राय दे दी है और 841 से जो टारगेट है वो सीधा डाउनग्रेड करके 742 कर दिया है। अब जो RO है इसका वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे है जिससे वैल्यूएशन में गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही है। अब ROA को देखते हुए जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो भी कहीं ना कहीं हमें इस टाइम पे डराने वाला दिखाई दे रहा है और इसके चलते RO में आगे चल के एक गिरावट की उम्मीदें भी जताई जा रही है। डिपॉजिट के मुकाबले जो लोन ग्रोथ है उसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्लिपेज बढ़ने से क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी की आशंकाएं जताई जा रही है। साथ ही साथ MSME, एग्री और अनसिक्योर्ड लोन्स में जो स्लिपेज है वो कहीं ना कहीं बड़ी है। इसके अलावा फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 में जो EPS है उसे घटाकर 3 से 9% कर दिया है।
तो खास तौर से डिपॉजिट और लोन्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा था बैंक्स के अंदर, और वही एक कंसर्न यहाँ पर भी जताया जा रहा है। और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक डाउनग्रेड का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं शेयर में। जो टारगेट दिए 742 रुपए के आसपास, 787 अभी शेयर कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद बहुत बहुत शुक्रिया कंचन ये ब्रोकरेज हाउस पे या नोट पे हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं, नीरव सर बने रहेंगे, उनसे स्टॉक पर बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ खिलाड़ियों का अपडेट। छोटे से ब्रेक के उस बार और मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिला। थोड़ी पहले हम बात कर रहे थे SBI को लेकर किस तरह की सिचुएशन है। नीरज सर, SBI आज PSU बैंक को एक तरफा धकेलने वाले स्टॉक्स में नाम है इसका, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कह लीजिए आप। सो आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए SBI में? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 805 का, जो आज ब्रेक हुआ है और विथ वॉल्यूम ब्रेक हुआ है। दैट मींस यहाँ से नियर टर्म में थोड़ा नेगेटिव हो गया है स्टॉक, एंड अब यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है नीचे में, जो अराउंड 755 के पास में है। तो 755-750 वहाँ पे एक अच्छा बेस बन सकता है ये स्टॉक का। तो यहाँ से और 20-30 रुपए एटलीस्ट गिर सकता है। तो प्रॉबेबली 750 के पास में बाइंग के मौके ढूंढे, नॉट एट करंट लेवल। अभी यहाँ से और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा और निगेटिव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लाइकवाइज दूसरा डैमेज जो आज गोल्डमैन सैक्स की वजह से हुआ है वो है वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर, FNO के लूजर्स में भी नाम है, यहाँ क्या करें? देखिए, वोडाफोन आइडिया में एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है नियर टर्म में, और उसका जो सपोर्ट लेवल है वो 12 के आसपास है। तो अगर आपके पास है, जैसे कि बहुत सारे रिटेल लोगों के पास में ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 12 रुपीज का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगर 12 रुपीज के नीचे जाता है तो काफी खराब हो जाएगा स्टॉक, एंड प्रोबेबली उसके बाद 8 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे प्लीज एग्जिट। इंडस टावर की अगर बात करूं तो देखिए, इंडस टावर में पैटर्न खराब नहीं है, इनफैक्ट पैटर्न बहुत अच्छा है इसका। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के पास आया है जो अराउंड 455-460 के पास में, वहां से नीचे आया है। थोड़ा टाइम लगाएगा, बट आई डोंट सी मच सेलिंग इन दिस। यहाँ से बाइंग आ सकती है स्टॉक में, शायद थोड़ा टाइम लगे। तो यहाँ से आप करंट लेवल और 400 के आसपास आए वहां पे आप बाइंग करिए। यहाँ से वापस 455-460 जैसे ही ब्रेक होता है, उसके बाद नए लेवल्स अराउंड 555-600 के लेवल्स आ सकते हैं। पर अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच, स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक 2-3 हफ्ते का कंसोलिडेशन करेगा, फिर जाके एक ब्रेकआउट दे। जी, तो थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा इंडस टावर में। वोडाफोन के केस में आप 12 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए। जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। हफ्ते का आखिरी सत्र है, आखिरी के करीब 2 घंटे का सेशन बचा है, और जो सिचुएशन है उसमें नैटको फार्मा एक बाय कॉल इनिशिएट की थी पंकज जी ने करीब 1700 रुपये के टारगेट्स के लिए, 1500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अमित सेठ की तरफ से रत्नमणि मेटल 4100 रुपये के टारगेट जो उन्होंने दी थे, खरीदारी की कॉल थी वहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर लिए 3871 के जोन्स में। और आशीष क्या जी ने सुमन की जो कॉल दी थी वहाँ पर अपने एग्जिट कर गए 1186 रुपये के जोन्स के आसपास, 1300 रुपये के टारगेट थे, 1150 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने रखने की राय यहाँ पर दी थी। इसके अलावा जो तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न है उसमें सो फार आशीष जी लीड कर रहे हैं 11% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, पंकज जी 7.5% पॉजिटिव रिटर्न, और अमित का रिटर्न नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार रिटर्न देखने को मिला। एक ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे अस्त्रा माइक्रो के डायरेक्टर अतिम काबरा जी से। छोटे से ब्रेक के उस पार।